ओके आज मेरे पास एक ऐसा अडाप्टर है जो आप यूज करके किसी भी तरह की लकड़ी को आप काट सकते हो। अगर आपके पास एक ड्रिल मशीन है, कटर मशीन नहीं है, तो आप इसको ले सकते हो। फ्लिपकार्ट से मैं उसको ख़रीदा हूँ। तो अगर आपको ये ज़रूरत है आप वीडियो पहले देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, सभी पावर टूल्स का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो कैसा अडाप्टर है, कैसा गैजेट है, तो आप कैसे यूज कर पाओगे, सब कुछ ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये मेरा नया चैनल में नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। टेक्निकल सिस्टम 2.0 ये चैनल का नाम है। और टेक्निकल सिस्टम अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर तो ज़रूर नया वीडियो को, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से चारों तरफ कवर दिए कि सेफ्टी में इसके आपके पास डिलीवरी हो गया है, मेरे पास हो गया है डिलीवरी। तो अगर आप चाह रहे हो तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ओके ये बक्स मैं खोल चुका हूँ। तो दो बक्स मुझे मिला बाहर से, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दिया, और अंदर से एक बक्स मिला। और इसके अंदर इसका सेफ्टी गार्ड यहाँ पे पहले मुझे दिख रहा है, और मेन अडाप्टर ये है। ओके तो इसको आपको मेन अडाप्टर इसको आपको फिटिंग करना है, और इसका कवर है, और इसके अंदर जो स्क्रू वगैरह उसका रेंच वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं उसको फिटिंग कर लेता हूँ स्पीडली, और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप उसको काट सकते हो। यहाँ पे देखिए एक 4 इंच का कटिंग ब्लेड मिल जाएगा जिसमें आप स्पेशली लकड़ी काट सकते हो, और आपको लोहा भी काटना है तो इसमें आप काट सकते हो। उसका गाइड फैन जो गाइड रहता है ऊपर वाला, तो आपको चेंज करना है, फिर आप उसको हैंडल लगा के पकड़ के आप लोहा भी उसको जो रड आता है उसको भी आप काट सकते हो। और यहाँ पे मैं जल्दी उसको फिटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आपको उसको यूज करना है। पहले बेस प्लेट यहाँ पर मैं लगा के स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। पूरा नॉर्मल सा चीज़ आप अगर लेके यूज़ करना चाहते हो, प्रोफेशनल काम नहीं हो पाएगा। अगर आप घर में कोई ड्रिल मशीन है, अगर आप चाह रहे हो कि इसको लेके आप छोटा मोटा काम करना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, लेकिन आप प्रोफेशनल काम करोगे, प्रोफेशनल कोई भी चीज़ को काटना है तो फिर आप ड्रिल मशीन को छोड़िए, कटर मशीन के पास आपको जाना पड़ेगा, जो CM4S है, GDC-120, GDC-121, CM5, CM6 कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन ये एक गैजेट है, एक अडाप्टर है जो आप ड्रिल मशीन में लगा के कटिंग कर सकते हो, लोहा नहीं तो लकड़ियाँ वगैरह जो भी है आप काट सकते हो। ओके यहाँ पे मैं उसका अडाप्टर फिटिंग कर चुका हूँ, और ये ऊपर नीचे भी हो रहा है। और यहाँ पे साइड वाला एडजस्टिंग जो प्लेट रहता है उसमें आपको यहाँ ये नोब लगाना पड़ेगा, और यहाँ से हमको स्क्रू टाइट करना है ताकि ये फिक्स हो जाए। ओके ये रेडी हो गया, अभी हम उसके ऊपर वाला स्क्रू लगाएंगे। थोड़ा ढीला हमको रखना है, अब वो बाद में हम फिटिंग कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ फिक्स करने वाला वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं उसको टाइट कर लेता हूँ। एक अच्छा चीज़ है, आप ऐसे ही मत, आपको अगर उसको लेना है तो ऐसे ही आप लेके घर में फेंकने वाला नहीं हो, आप काम में लगा पाओगे, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। आप लेके अगर कोई काट रहे हो, टूट गया है नहीं टूट गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा हैवी है, ज़्यादा तो हैवी नहीं है लेकिन हैवी है, आप लेके यूज़ कर सकते हो, नरवाली यूज़ कर सकते हो। छोटा मोटा काटना है वो जो लकड़ियाँ रहता है वो उसको काटना है, नहीं तो जो आयरन ब्लेड आता है आप उसको यूज़ करके आप कोई भी रॉड को काटना है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उसका एवी वॉशर हम उसको निकालेंगे, और ये टाइट है तो ढीला कर लेंगे, बहुत टाइट है ये। ओके तो ये आपका मैंने यहाँ पे देखा कि उसमें मैक्सिमम मशीन में राइट से लेफ्ट की तरफ घूमता है, निकलता है, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज उसको निकलता है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज निकला है मेरा एवी वॉशर, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके उसमें एक वॉशर मिलता है, वॉशर आपको लगाना पड़ेगा। ओके अभी उसको मैं खोल लेता हूँ, टाइट करोगे तो ये निकल जाएगा, और निकालोगे तो ये टाइट हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा चूड़ी है, जैसे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको आपको टाइट करना है। अभी उसके में वॉशर लगा लेंगे, यहाँ पे वॉशर मैं लगा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आपको इसका जो एवी वॉशर रहता है उसको ऊपर में लगाना है, और नीचे से आपको उसका
घाटी मिल जाएगा, जैसे कि स्पिंडल में रहता है उसमें आप पाना फंसा के आप उसको टाइट कर सकते हो। तो ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी हम उसमें ड्रिल मशीन लगा के हम कोई भी मशीन चीज़ को काट सकते हैं। दोस्तों मैं आपको चला के दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी मेरा जो शॉप में ऐसा चीज़ नहीं है कि काट के आपको दिखा पाऊँ, लेकिन ये कंपलसरी काटने का लायक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको यूज़ करके काट सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं चॉक को ढीला करके आपको साइड में उसका नोब मिल जाएगा, जो स्पिंडल रहता है वो मिल जाएगा, आप उसमें टाइट कर लीजिए चॉक को, और चॉक को भी थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं चॉक को भी थोड़ा टाइट कर लिया, ओके। अभी देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ और जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं उसको चालू कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, कहीं पर भी आप रख के उसको काट सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप एक जगह पे फिक्स करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरफ आप घुमा के 360 डिग्री आपको इसको घुमाना है तो घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं घुमा रहा हूँ। अब बेस प्लेट को एडजस्ट कर लीजिए और ऊपर नीचे कर लीजिए, फिर आप उसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें आप जो ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हो थोड़ा हैवी होना चाहिए, जब मैं आपको बोलूँगा कि 13 mm का ड्रिल मशीन यूज़ कीजिए, 10 mm थोड़ा हिट होगा, दिक्कत भी कर सकता है, लेकिन 13 mm ड्रिल मशीन में अगर आप उसको लगा के काटना चाहते हो तो आप इसको ज़रूर कर सकते हो। इसका प्राइस आपको चेक करना है तो अपडेट रिसेंट प्राइस मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये नीचे हाई नीचे हाई लो होता है, तो अप डाउन होता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो मैं उसको 1100 रुपया के आसपास इसको मैं ख़रीदा हूँ, फिर भी याद नहीं है, लेकिन मैं 1140 या 50 रुपये में उसको ख़रीदा हूँ। तो आपके मर्जी, आप सस्ता लोगी सस्ता भी अवेलेबल है, अच्छा क्वालिटी लोगी तो भी, उससे भी इससे भी अच्छा क्वालिटी है तो भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो। और सस्ता 700-800 रुपये के भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी चेक कर दी। तो चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कुछ नॉलेज मिला तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।